इस पाउडर को लगाते के साथ ही लाखों करोड़ों लोगों के गंदे पीले दांत की समस्या दूर हो गई और उनके दांत मोती की तरह चमकने लग गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपने गंदे पीले दांतों की समस्या से हमेशा हमेशा के लिए राहत पा सकते हैं। दोस्तों, सफ़ेद और मोतियों की तरह चमकदार दांत व्यक्ति की पर्सनैलिटी में चार चांद लगा देते हैं, मगर दोस्तों थोड़ी सी लापरवाही करने के कारण हमारे दांत गंदे और पीले दिखाई देने लगते हैं। और दोस्तों, अनहेल्थी चीज़ें लेने के साथ जैसे कि दोस्तों शराब पीना, सिगरेट पीना, कोल्ड ड्रिंक पीना, मीठा खाना, इसके ज़्यादा खाने से कारण दोस्तों हमारे दांतों का पीलापन स्टार्ट होता है। साथ ही साथ दोस्तों हमारे दांतों के अंदर पायरे की बीमारी की भी समस्या स्टार्ट होने लगती है। दांतों के पीलेपन के कारण से दोस्तों लोग दूसरों के सामने से खुलकर हंसने में तकराते हैं। यदि दोस्तों अगर आप भी अपने गंदे पीले दांतों से परेशान हैं तो दोस्तों इस घरेलू नुस्खे को जरूर अपनाएं और दोस्तों एक मिनट के अंदर अपने दांतों की रिलेटेड परेशानी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ इस बेहतरीन से नुस्खे को आपको कैसे तैयार करना है। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे होंगे ये पाउडर है क्या, ये दोस्तों मैं आपको बाद में बताऊंगा लास्ट में एकदम। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें ताकि आपसे एक भी टिप्स बिल्कुल भी मिस ना हो। दोस्तों सबसे पहले आपको लेना है एक क्लीन बाउल। अब दोस्तों आपको इसके अंदर पहला इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करना है, वो दोस्तों आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव और असरदार रहेगा। साथ के साथ दोस्तों आपको ये आपकी रसोई में ही मिल जाएगा, ये दोस्तों हींग। हींग में दोस्तों कुछ ऐसे हाई एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, कुछ ऐसी ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो कि दोस्तों आपके गंदे पीले दांतों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाता है और दोस्तों आपके मुंह की गंदगी को भी दूर करता है। तो दोस्तों आपको कुछ इतनी सी मात्रा में हींग ले लेनी है। अब दोस्तों आपको इसके अंदर दूसरा इंग्रेडिएंट जो इस्तेमाल करना है वो है दोस्तों हमारा ये लेमन। लेमन में दोस्तों सिट्रिक एसिड होता है, हाई विटामिन सी होता है और दोस्तों इसके अंदर कुछ ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं जो कि दोस्तों आपके गंदे पीले दांतों से छुटकारा दिलाता है और आपके दांतों को मोतियों की तरह चमकाता है। तो दोस्तों आपको 3 से 4 इसकी ड्रॉप ऐड कर लेनी है जिससे कि आपका ये नुस्खा बन जाए। देखिए दोस्तों कुछ इतना सा आपको ले लेना है। अब दोस्तों हम आते हैं जो दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि वो चीज़ है क्या जो हमें अब ऐड करनी है लास्ट में, यह है दोस्तों आंवला का पाउडर। आंवला के पाउडर में दोस्तों विटामिन सी, विटामिन ए और दोस्तों कुछ ऐसे एंटीवायरल प्रॉपर्टीज, एंटीऑक्सीडेंट और दोस्तों इसके अंदर एंटी एंटीडिक प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है जो कि दोस्तों आपके दांतों के अंदर की पायरे की बीमारी होती है उस समस्या को दूर करती है। साथ ही साथ दोस्तों आपके गंदे पीले दांतों को तुरंत ही रिमूव करती है। और दोस्तों आंवला के इतने ज़्यादा फायदे हैं जैसे कि दोस्तों आपके बालों का टूटना झड़ना रुकता है, आपके हेल्थ के लिए बढ़िया होता है और दोस्तों आपकी आंखों की रोशनी के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो दोस्तों आंवला के इतने सारे फायदे हैं जो कि दोस्तों मैं आपको गिनवा भी नहीं सकता। तो दोस्तों आपको कुछ इतनी सी मात्रा में आंवला ले लेना है और दोस्तों आपको इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से चला लेना है। देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको चला लेना है। चला लेने के बाद दोस्तों आपको ये नुस्खा कुछ इस प्रकार से नजर आने लगेगा जैसे कि दोस्तों आप देख रहे होंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा ये नुस्खा लगभग बन कर तैयार हो चुका है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ इस नुस्खे को आपको कब और कैसे अप्लाई करना है। इस नुस्खे की दोस्तों सबसे खास बात यह है ये एकदम नेचुरल है और ये दोस्तों जितनी भी हमने चीज़ें ली है वो आपके घर पे आपको आसानी से ही मिल जाएगी। दोस्तों आपको इसे सुबह उठते ही जैसे आप नॉर्मल ब्रश करते हैं वैसे ही दोस्तों आपको ब्रश करना है एकदम आराम आराम से। फिर दोस्तों आपको इस नुस्खे को इवनिंग में भी इस्तेमाल करना है, मतलब कि दोस्तों शाम को जब दोस्तों आप खाना खा लेंगे, जब आप सोने जा रहे हो उससे पहले आपको इस नुस्खे को अपने दांतों में लगा के अपनी अच्छी तरीके से साफ सफाई करनी है जिससे कि दोस्तों यह होगा आपके गंदे पीलेपन को दूर करेगा। साथ के साथ दोस्तों जिन लोगों के मुंह से बदबू आती है उस बदबू को भी दूर करेगा और दोस्तों आपके दांतों को मोती की तरह चमका देगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको अप्लाई करना है। और तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।
यह दोस्तों अगर आपका कोई मित्र या फैमिली मेंबर इस परेशानी से जूझ रहा हो या दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा गुटखा का सेवन करता हो तो दोस्तों उन भाइयों के साथ भी व्हाट्सएप पे फेसबुक पे शेयर कीजिए ताकि दोस्तों इस छोटे से उपाय से उनकी मदद हो सके। और दोस्तों आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन को दबाएँ ताकि आपको हमारी नई वीडियो की जानकारी ऐसे ही सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।